Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. बहुत से लोगों ने यह नहीं सीखा है कि अपने भावनाओं से वे कैसे निपटे. इसलिए आप देखिए, मानसिक स्वास्थ्य जो देखभाल करते हैं वो प्रोफेशनल्स केवल हमें सिखाते हैं कि उन्हें कैसे संभाला जाए. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हम लोगों को सिर्फ सिखाते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं. लेकिन जब हम समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की इस क्षेत्र में, इस एरिया में, या मानसिक बीमारी की इस एरिया में ईश्वर का वचन क्या कहता है, तो यह जड़ से समाप्त हो सकता है. न केवल इसे जड़ से समाप्त किया जा सकता है, बल्कि यह सुनिश्चित होगा, यह सुनिश्चित जड़ से हट जाएगा. और यही कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि हमें भावनात्मक स्थिरता मिले, इमोशनल स्टेबिलिटी मिले. और अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हमारी भावनाएं हमारे जीवन पर, हमारे सारे निर्णय पर शासन करेंगे. क्योंकि हमेशा ऐसा समय आएगा जब हम नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाओं को महसूस करेंगे. और अगर हम अपने जीवन को या हमारे निर्णयों को इन नकारात्मक भावनाओं के आधार पर जिएंगे, तो निश्चित हमारा जीवन नष्ट होगा. हालेलुया. तो हमारे जीवन में बदलाव आना तब शुरू होगा जब हम अपने भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखेंगे. उन भावनाओं को नियंत्रण में आने के बजाय, उन भावनाओं के नियंत्रण में आने के बजाय उन पर हमें नियंत्रण पाना सीखना होगा. हम जो कुछ भी देखते हैं और जो कुछ भी हम सुनते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे विचार पर पड़ता है. मैं फिर से दोहराती हूँ, हम जो कुछ भी देखते हैं और जो कुछ भी सुनते हैं, उनका सीधा प्रभाव हमारे विचार पर, हमारी सोच पर पड़ता है. और हम जो विचार करते हैं वह हमारे भावनाओं को प्रभावित करता है, और हमारी भावनाएं हमारे निर्णय को तय करता है. तो भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि इन नकारात्मक निर्णयों से नकारात्मक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. और इन नेगेटिव एक्शंस से, नकारात्मक कार्यों से नकारात्मक आदतें पैदा होती है, और नकारात्मक आदतें नकारात्मक चरित्र का निर्माण करती है. और ये नकारात्मक चरित्र हमें विनाश की ओर ले जाएगा और हमारे जीवन को नष्ट कर देगा. तो यह विनाश शुरू कैसे होता है? सबसे पहला, जो हम देखते हैं, जिसे हम सुनते हैं या जिसकी हम सुनते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, उसका प्रभाव हमारे विचार पर पड़ता है. हमारा विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, हमारी भावनाएं हमारे निर्णय को प्रभावित करती है, हमारा निर्णय हमारे कार्यों को प्रभावित करता है, और कार्य हमारे आदतों को प्रभावित करता है, और हमारी आदतें हमारे चरित्र को प्रभावित करती है. और हमारा चरित्र यह तो हमें विनाश की ओर ले जाएगा या जीवन की ओर. हालेलुया. तीसरा, यूहन्ना चैप्टर 1:2 में बाइबल कहती है, हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. इंग्लिश बाइबल में यह वचन इस प्रकार से लिखा है, हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि तुम सब चीज़ों में समृद्ध हो,
और स्वस्थ में रहो। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा प्राण समृद्ध है। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमारा प्राण, जिसमें सोचने की, विचार करने की, भावनाओं को महसूस करने की शक्ति है, हमारा प्राण ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। अगर मैं इसे और आसान शब्दों में कहूँ तो इसका अर्थ यह है कि हमारा मन, जहाँ से हम अपने सारे निर्णय लेते हैं, यही मन हमारी जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो हम उस निर्णय का विचार अपने मन में करते हैं और मेरी भावनाएं मेरे मन से आती हैं। हम भावनाओं को अपने मन में महसूस करते हैं विचारों के द्वारा, और जब मेरा मन स्वस्थ है तो निश्चित मेरा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो जब हमारा मन स्वस्थ रहता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारे एक दूसरे के साथ रिश्ता स्वस्थ रहता है और बाकी सब कुछ हमारे जीवन में स्वस्थ रहता है। तो जब हम परमेश्वर के वचनों में जड़े रहते हैं तो परमेश्वर का वचन जो एक बीज है, वह बीज मेरे मन में ईश्वरीय विचार पैदा करेगा और यह ईश्वरीय विचार मेरे मन में ईश्वरीय भावनाओं को जन्म देगा। नकारात्मक या नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव भावनाओं को नहीं जन्म देगा। ईश्वरीय भावनाएं हमें परमेश्वर के करीब ले जाएगा और नकारात्मक भावनाएं मेरे मन पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे और हमें परमेश्वर से दूर विनाश की ओर ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरी आत्मिक सिद्धि का स्तर, मतलब मेरी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का लेवल, इन बातों पर आधारित नहीं है कि मैं कितने वर्षों से प्रभु में हूँ, या मैं रोज़ चर्च जाता हूँ, या कितना बाइबल का अध्ययन करता हूँ। नहीं, बल्कि मेरी आत्मिक सिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि मैं अपनी भावनाओं पर कितना नियंत्रण पाता हूँ। क्या मैं अपनी भावनाओं को मुझे नियंत्रित करने की अनुमति देता हूँ, या मेरी भावनाएं मुझे नियंत्रित करती है। रोमियो के पत्र में चैप्टर 8:6 में लिखा है, भौतिक मानव स्वभाव के बस में रहने वाले मन का अंत मृत्यु है। भौतिक मानव स्वभाव के बस में रहने वाले मन का अंत मृत्यु है, किंतु आत्मा के वश में रहने वाली बुद्धि या मन का परिणाम है जीवन और शांति। तो जब मैं मानव स्वभाव के बस में हूँ, मानव स्वभाव के अनुसार विचार कर रहा हूँ, तो इस वचन के अनुसार मैं मृत्यु की ओर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं मृत्यु में हूँ, बल्कि यह मृत्यु है। उसी तरह से जब मेरा मन पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के वश में रहता है, तब मैं जीवन और शांति की ओर नहीं जा रहा हूँ, मैं जीवन और शांति में हूँ। अब ये मानव स्वभाव का अर्थ क्या है? मानव स्वभाव मेरे 5 इंद्रियों से संबंधित होते हैं। जब मैं अपने जीवन के निर्णय अपने इन 5 इंद्रियों के आधार पर लेता हूँ, वचन के आधार पर नहीं, तो मैं परमेश्वर और उसके वचन से दूर जाने लगता हूँ। ईश्वर ने हमें ये 5 शारीरिक इंद्रियाँ दी है कि वे हम पर शासन ना करें या हम पर हावी ना हो, बल्कि हमें
भौतिक या प्राकृतिक दुनिया में रहने और हमें सही दिशा में ले जाने में मदद कर सके। जैसे उदाहरण, परमेश्वर ने मुझे आंखें दी है जिससे मैं देख सकता हूँ। अपनी आंखों के माध्यम से मैं देख सकता हूँ, लेकिन उसने मुझे ये आंखें वासना के लिए नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें ये 5 भौतिक इंद्रियां दी है ताकि हम उनके द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में मदद पा सकें। लेकिन जब मेरी इंद्रियां मेरे मन में डर और भय और तनाव लाती है, खासकर जब मैं किसी समस्या में हूँ, तो अब ये इंद्रियां मुझसे बात कर रही है और मुझे डर दे रही है। और परमेश्वर ने इन 5 इंद्रियों को मेरे जीवन में इस तरह से कार्य करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया है। यही कारण है कि वचन रोमियो का पत्र chapter 1:17 में कहता है, धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेंगे, अपनी दृष्टि से नहीं। इसलिए जब हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपनी आँखों का उपयोग कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब मेरी आँखें मुझ पर हावी होने लगती है तो मुझे एक ऐसे निर्णय लेने में मजबूर करती है जो ईश्वर के वचन से विपरीत है, और अब यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अब उदाहरण के लिए, जैसे मैं अपनी आँखों से बाइबल देख सकती हूँ और यह कह सकती हूँ कि यह एक किताब है, यह एक पुस्तक है। मैं इसे छू सकती हूँ और इसे एक पुस्तक के रूप में महसूस कर सकती हूँ, तो मेरी सभी 5 इंद्रियाँ कहेंगी कि यह किताब है। लेकिन जब मैं पुस्तक के रूप में इस बाइबल को देखती हूँ और इसे खोलकर यूहन्ना chapter 1:14 को पढ़ती हूँ, जहाँ लिखा है, उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। अब अपनी इंद्रियों के आधार पर बाइबल को मात्र पुस्तक के रूप में देखने में और जो यूहन्ना chapter 1:14 में जो लिखा है उसके माध्यम से देखने में बहुत बड़ा फर्क है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जब हम कहते हैं कि यह केवल एक किताब नहीं है, यह यीशु का देह है, यीशु का शरीर है, अब मैं आत्मा के वश में हूँ और मानव स्वभाव के बस में नहीं। हम जितना आत्मा के वश में रहेंगे, हम उतना ही जीवन और शांति में होंगे। इसलिए जब मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है तो मुझे पता है कि मेरे हृदय में यीशु है। मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मेरे हृदय में यीशु है? क्योंकि वचन कहता है, शब्द ने शरीर धारण किया और यह शब्द जिसने शरीर धारण किया वह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता chapter 107:2 में वचन कहता है, हर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे यहोवा ने बचाया है इन राष्ट्रों को कहे, हर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने अपने शत्रुओं से छुड़ाया उसके गुण गाओ। तो ईश्वर का वचन कहता है, जब मेरा नया जन्म होता है और प्रभु के द्वारा मुझे पाप से छुटकारा मिलता है, तो पहली चीज़ जो मुझे सीखने की ज़रूरत है वह यह है कि मुझे मौखिक रूप से परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलना चाहिए, उसकी गवाही देनी चाहिए, उस शब्द से सहमत होना चाहिए। और जब मैं इन सब के द्वारा उस पर विश्वास कर रही हूँ तो यह वचन अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। भले ही आपके जीवन में गड़बड़ क्यों ना हो रही हो, पर जब आप अपना मुंह खोलते हैं
और इस वचन को बार बार बोलना शुरू करते हैं, अब आपके कान इसे बार बार सुन रहे हैं और अब विश्वास आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि विश्वास वचन के सुनने से आता है और वचन के द्वारा सुनने से आता है। और यह विश्वास परमेश्वर के उस शब्द को ले जा रहा है और विश्वास का आत्मा उस शब्द के द्वारा सभी गड़बड़ चीज़ों को, सभी प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स पर वह हमला कर रही है जो आपके आसपास आपके जीवन में हो रहा है, और पूरी तरह से नष्ट करके उन्हें नई चीज़ों के साथ बदल रही है जो आपके पक्ष में है। तो चिंता और नकारात्मक सोच, चिंता और नकारात्मक सोच का कारण है शारीरिक इंद्रियां, और यही डिप्रेशन का कारण बनता है। लेकिन एक अच्छा शब्द, ईश्वर का शब्द जो प्रोत्साहित करता है, वह हृदय में खुशी लाता है। इसलिए चिंता और तनाव डिप्रेशन का कारण बन सकता है। डिप्रेशन हमेशा शैतान की ओर से आता है और प्रोत्साहन का शब्द परमेश्वर की ओर से आता है। और क्योंकि हमें यीशु के लहू द्वारा शैतान से छुड़ाया गया है, इसलिए वचन इब्रानियों का पत्र चैप्टर 13:5 में वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब परमेश्वर कहता है कि वह सदा आपके साथ है, इसका अर्थ यह है कि वह आपके साथ 24 घंटे है, हफ्ता के 7 दिन हैं, साल के पूरे 365 दिन आपके साथ हैं। लेकिन क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं। तो आप कैसे मानेंगे इस बात को कि परमेश्वर आपके साथ है सदा? विश्वास के द्वारा आप इसे मानेंगे, विश्वास के द्वारा आप इस सत्य को ग्रहण करेंगे। तो स्वर्गीय पिता, हमें इस महान सत्य को सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। हम स्वीकार करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे अंदर निवास कर रहे हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आपने बीमारी, मृत्यु और शैतान के हर काम को नष्ट कर दिया है और आप मृतकों में से जी उठे हैं यीशु, और आप जीवित हैं। और वही पुनरुत्थान की शक्ति हम में से हर एक के अंदर निवास कर रही है। और हम यह घोषणा करते हैं पिता कि जो कोई भी इस शब्द को सुन रहा है इस वक्त, उसे यीशु के महान नाम से शैतान के हर काम से छुटकारा और मुक्ति मिल गई है। आमेन।